अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? अभी तो आप सब लोग खैर से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए गर्ल्स शूज़ कलेक्शन लाई हूँ, लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन में, लेटेस्ट से लेटेस्ट कलर में, डिफरेंट से डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट से डिफरेंट स्टाइल में। उम्मीद है आप लोग को आज के शूज़ की कलेक्शन के बारे में पता चला होगा। बेल आइकन को बटन को प्रेस करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। डिफरेंट से डिफरेंट वैरायटी है, लेटेस्ट से लेटेस्ट फैशन है, ये फॉर एवर शूज़ है। तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उम्मीद है आप सब लोग को आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, जो कि डिफरेंट है, डिफरेंट कलर्स पे है, डिजाइन पे है। कुछ सेटर टाइप शूज़ है, ठीक है, कुछ कैजुअल वेयर शूज़ है, कुछ फॉर एवर शूज़ है। आप इन्हें इजीली वेयर करके जा सकते हैं, बिल्कुल भी वेयर इसका लेदर बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि हार्ड लेदर होने की वजह से शूज़ पीछे से आगे से लगता है स्वेलिंग हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, फॉर एवर है, आप इनको पहन सकते हैं इजीली, वॉक के टाइम, क्रॉसी के टाइम, जहाँ भी आप कभी आए जाए, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके सामने उन्होंने आप लोग को लेदर में शूज़ दिखाए हुए हैं, डिफरेंट से डिफरेंट मतलब स्टाइल है, एम्ब्रॉयडरी है, क्वालिटी है। तो यही तरह आप लोग को आज के शूज़ के कलेक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। मतलब कि बहुत फॉर एवर शूज़ है, ठीक है, बे बिल्कुल भी ये नहीं है कि यार सेटिस्फाई है, यार कंफर्टेबल है, या इसका लेदर सॉफ्ट है, या इसका इस वजह से। लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसे ग्रोसरी के टाइम या डॉक्टर के टाइम जब भी आप आते जाते हैं पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फुटवेयर शूज़ हो या दूसरे हो लेदर के। आपको मैंने मिक्स वैरायटी दिखाई है, क्वालिटी दिखाई है, आप लोग को पता चल रहा होगा कौन से टाइप के शूज़ आए हुए हैं, कौन से स्टाइल में आए हुए हैं। पहले तो होता था कि घर में मतलब जो हम शूज़ वगैरह लेते थे बहुत सिंपल से सिंपल आते थे, लेकिन अब आप देखें सिंपल शूज़ ही है, जैसे स्लीपर्स हो जाते हैं, फुटवेयर शूज़ हो जाते हैं, तो कहने का मतलब वैसे ही शूज़। उम्मीद है आप लोगों को आज के वेलवेट के शूज़, मतलब के दूसरे डिज़ायर के शूज़, सैंडल हो गए, मेडिकेटेड शूज़ हो गए, डॉक्टर स्लीपर्स हो गए, मतलब के हर तरह के आपको उन्होंने शूज़ दिखाए हुए हैं आपके सामने है। एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, लेटेस्ट है, लेटेस्ट डिफरेंट से डिफरेंट कलर वाले हैं, इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन है, इनका लेदर बहुत अच्छा है। तो कुछ लेदर इतना मतलब हार्ड होता है जिसकी वजह से स्टेप्स हो गए, लेदर हो गए, इतना लगते हैं, इतना ज़्यादा जिसकी वजह से पाँव में पहना नहीं जाता। ये वाले जो शूज़ मैं दिखा रही हूँ कि आपको मेडिकेटेड शूज़ दिखा रही हूँ, पता भी चल रहा होगा, तो बहुत मतलब के कंफर्टेबल है, बहुत इजी है। लेकिन हम तो नहीं पहनते, लेकिन हमारी मदर्स वगैरह, दादा वगैरह, वो घर में या कहीं भी जाए फॉर एवर वो ये शूज़ यूज़ करती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहती हूँ शेयर किया करो, इस वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोग को शूज़ के डिज़ाइन के, कलर्स के, लेदर्स के बारे में, वैरायटी के बारे में पता चला होगा कि 2004 में कौन से शूज़ की कलेक्शन ज़्यादा चल रही है, कौन से शूज़ की कलेक्शन ज़्यादा नहीं है। लेकिन मिक्स शूज़ है, ये वाले आपको पुराने जमाने के हैं, ये अच्छे नहीं है, नहीं ये हमारा वहम है, ये पहने हुए पाँव में बहुत मतलब के कम्फर्टेबल, बहुत सेटिस्फाई, बहुत आरामदेह महसूस करता है, बहुत अच्छे शूज़ है, ऐसे बस वहम की वजह से माने जाते हैं। लेकिन है
अल्लाह ताला सबको अफ़सोस बार में रखे, आमीन।